दोस्तों रंजू की बेटियों के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि होटल में खाना खाने के लिए तो रंजू की सबसे बड़ी बेटी सालू और उसका लवर विशेष पहुंचेंगे। दोनों बिना किसी को बताए यहां पर मिलने आए थे, इसलिए जल्दी जल्दी खाना निपटाएंगे और वहां से हड़बड़ी में निकल लेंगे। रेस्टोरेंट में खाना खाने और घूमने के चक्कर में एक गलती इनसे बहुत बड़ी हो जाएगी कि सालू का जो फ़ोन था वह रेस्टोरेंट में ही छूट जाएगा और गलती से गुड्डू मिश्रा भी उसी रेस्टोरेंट में पहुंच जाएंगे जहां पर ये दोनों पहुंचे थे। और स्टाफ के हाथ में जब ये फ़ोन इनके लगेगा तो स्टाफ वाले ये फ़ोन गुड्डू मिश्रा को देते हुए बोलेंगे कि आपकी बेटी यहाँ पर आई थी और उनका ये फ़ोन छूट गया है। और वह उस समय तो फ़ोन ले लेंगे, मगर जब वह घर पहुंचेंगे तो उनके सर पे बहुत ही क्रोध सवार होगा। और जैसे ही वह सालू उनके सामने आएगी, उसके सामने जेब से फ़ोन निकालते हुए बोलेंगे कि बेटा ये तुम्हारा ही फ़ोन है ना, और उसे जमकर लताड़ेंगे, कहेंगे कि तुम और वो विशेष जमकर गुलछल्ले उड़ा रहे थे, इश्क फरमा रहे थे, वाह बेटा वाह। और तभी वहाँ पर गुड्डू मिश्रा की माँ और रंजू भी आ जाएंगी और रंजू को भी वहाँ पर ये जमकर लताड़ देंगे, कहेंगे कि जब मैं रिश्ता लेकर आया था तब तो तुम लोगों ने बड़े आसानी से ठुकरा दिया था। दोस्तों अब अपकमिंग एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि गुड्डू मिश्रा हो सकता है कि सालू की शादी जो है वो विशेष से भी करा सकते हैं, या फिर अपनी एक शर्त भी रख सकते हैं कि मैं जिस लड़के से शादी कराना चाहूँगा सालू की शादी अब उसी से होगी। हो सकता है कि वह उसी लड़के को वापस ले आए जिसके साथ पहले शादी का रिश्ता लेकर आए थे। तो देखना होगा कि आखिरकार सालू की शादी किससे होगी।